वेलकम बैक टू आवर चैनल डिजिटल काव्या एंड दिस इज काव्या। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छी होगी और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो ये वीडियोस हैं उन लोगों के लिए जो बिल्कुल नए नए हैं मेकअप करना, जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आता है। सो आई शेडो को कैसे लगाएं, आई शेडो को अपने आईज पर कैसे फिल करें। सो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हमने लिया थोड़ा सा और यहाँ पे ऐसे करके लगा लिया, बस हो गया आईब्रो पे, सॉरी आई शेडो हो गया। तो मैं बताने वाली हूँ कि आई शेडो को आई पर कैसे लगाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि हमारी वीडियो के पास पहुँचेंगे भी सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लेना है एक ब्रश एंड आई शेडो पैलेट से हम कोई भी कलर नहीं ले सकते, हमें लेना है ब्राउन कलर। अगर आप बिगनर्स हैं, आपको मेकअप करना बिल्कुल नहीं आता, तो आप क्या करना, आप ब्राउन कलर लेके ब्रश पे आप अपनी आईज पर आपको मिडिल से स्टार्ट करना है। मिडिल से स्टार्ट करके स्टार्टिंग कॉर्नर से लेके एंड देन लास्ट कॉर्नर तक आपको लगाना है। एक बार फिर से आप देख लीजिए, आपको मिडिल कॉर्नर से स्टार्ट करके लगाना है, क्योंकि अगर आप क्योंकि ज़्यादा होता है ब्रश पे हमारे, तो मिडिल कॉर्नर में लग जाएगा, मिडिल पे लग जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आगे हमारा यहाँ पे लग जाएगा स्टार्टिंग कॉर्नर पे, तो वो क्या होता है झड़ जाएगा यहाँ पे, तो हमारा मेकअप हो जाएगा खराब। तो आपको लेके यहाँ से स्टार्ट करके लेना, फिर हमें क्या करना है, यहाँ से लेके पूरा ऊपर तक जितना कि हमें, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हमें थोड़ा सा एरिया ऊपर का छोटा है, जिससे कि हम ना इस एरिया को हाईलाइट कर सकें और पूरी आईब्रो पर फिल कर लें। तो ये देखिए, ये हो गया आई शेडो। तीन प्रोसेस आप सबसे पहले आई शेडो कर सकते हैं। आपको मिडिल एरिया में लेना है और स्टार्टिंग कॉर्नर से लेके लास्ट कॉर्नर तक आपको पहले शेप बना लेनी है। सो ये बन गई शेप एंड देन ज़्यादा सा आई शेडो लेके हम इसको फिल कर लेंगे। सो ये हो गया आई शेडो कंप्लीट। अगर आप चाहती हैं कि और कलर भी इसमें ऐड करना चाहती हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले इसको ना अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। दोनों आइज पर सेम सेम करना है। आपको ना कुछ हटके चाहिए ना, लोग थोड़ा सा अगर, तो आप सोच रहे हैं हमें थोड़ा सा एकदम डिफरेंट सा चाहिए, तो आप गोल्डन सा आई शेडो लेके इसमें से आप अपनी स्टार्टिंग कॉर्नर पे लगा सकते हैं। ये देखिए, दोनों साइड में स्टार्टिंग कॉर्नर पे बस लगा के छोड़ देना है। तो अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है आई शेडो लगाना, तो आप ये वीडियो देख लीजिए एंड आपको लगाना आ जाएगा आई शेडो, एंड देन आप खुद ही बताइए, सच्ची बताइए कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताना। और ऐसी नई वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे मेरी वीडियो आपके पास पहुँच जाएंगी सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में, और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना।